जोया, वो मुझे बात करनी है तुमसे। कोई बात नहीं सुननी तुम। प्लीज प्लीज, सिर्फ सिर्फ दो मिनट। तुमने सिर्फ मेरी बात सुननी है, दो मिनट तो दे सकती हो ना? थैंक यू। वो मैंने कहना था कि नायला ने उसने जो कुछ कहा तुम्हें वो बिल्कुल गलत था, उसे नहीं कहना चाहिए था, और उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और मेरे सामने कोई वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं है। जोया प्लीज, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बदल रहा हूँ, मतलब बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और बात बस आखिरी। जोया मैंने तुमसे कहना था कि ये जो कुछ हुआ हमारे दरमियान, क्या तुम इसे भूल नहीं सकती? मेरे मतलब है, अगर तुम भूल जाओगी तो हम एक बेहतर। बस मेरे सामने एक और लफ्ज बोलने की जुर्रत मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे सामने इतनी घटिया बात करने की? देखो साहब, मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब कुछ, लेकिन कसम से यार, तुम्हें इस तरह अपने सामने देखता हूँ ना, तो कुछ कुछ होता है मुझे। जब जब तुम मेरे सामने आती हो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूं। प्लीज सोया, प्लीज। देखो मुझे नहीं पता तुम क्या समझ के माफ करोगी, लेकिन प्लीज बस कुछ भी सोच के, कुछ भी करके मुझे मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी ये कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश से मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम कितना बदले हो और कितना बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझे पूरी दुनिया में रुसवा कर दिया, तुमने मुझे जलील कर दिया हर जगह, और अब तुम मुझे कहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? क्या इतना आसान होता है सब कुछ भूलना? नहीं जुनैद, ये इतना आसान नहीं होता। और अगर मैं मान भी लूं तो इतना आसान होता है तो तुम ये क्यों चाहते हो? ताकि तुमको सुकून मिले, और तुम्हारी ये सोच पे मुझे सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि मैं तुम पे अफसोस करती हूँ। तुम्हारी सोच पे मुझे अफसोस होता है। हाँ एक और बात, नायला के किए पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे कई ज्यादा जलील और रुस्वा तुम मुझे पहले कर चुके हो, तो तुम्हें तो हैरत ही नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।